अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम पीएचपी की लैंग्वेज डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है फंक्शन। फंक्शन का लेक्चर जो टॉपिक है वो 3 से 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है और फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन और इसके चंद प्रोग्राम जो है वो प्रैक्टिकली आज हम करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शंस होता क्या है। तो पीएचपी फंक्शन इज़ अ पीस ऑफ कोड दैट कैन बी रिड्यूस मैनी टाइम। पीएचपी फंक्शन जो है वो एक पीस ऑफ कोड होता है, यानी चंद लाइनों का एक कोड होता है जिसको हम बार बार जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। रीयूज यानी बहुत दफ़ा हम एक प्रोग्राम के अंदर 5 दफ़ा 10 दफ़ा 15 दफ़ा जो है हम उस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट कैन टेक इनपुट एंड आर्गुमेंट्स एज आर्गुमेंट्स लिस्ट एंड रिटर्न वैल्यू। तो इसमें हम क्या करते हैं, यानी वैल्यू लेते हैं यानी आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर और वैल्यू जो है वो रिटर्न की जाती है। तो देर आर थाउजेंड ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, फंक्शन के अंदर जो है यानी थाउजेंड बिल्ट इन फंक्शन जो है वो इस्तेमाल होते हैं पीएचपी के अंदर, जिनको हम फर्दर जो है वो डिफरेंट लेक्चर्स में जो है वो इस्तेमाल करके आपको दिखाएंगे भी। तो देखते हैं हम एग्जांपल के भी फंक्शन इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो मैं आपको एक कोड बताता हूँ। मिसाल के तौर पर हमने चंद लाइनें डिस्प्ले करवानी है, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने इको लिखा है तो उसके अंदर यानी कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब हमने शो करवाया, उसके बाद ब्रेक शो करवाई और नेक्स्ट जो है यानी मैंने मकबूल हुसैन जो है ये शो करवा दी। अब मैंने इसको फर्ज करें 3 दफ़ा जो है शो करवाना है, तो इसका मतलब फिर मुझे 3 दफ़ा ये तीनों लाइनें जो है वो लिखनी पड़ेंगी। तो जिस तरह यहाँ पर मैंने इको लिखा, फिर उसके बाद मकबूल हुसैन लिखा, फिर इसी तरीके से मैंने फिर अगर दोबारा लिखना है तो फिर मुझे जो है ये लाइनें लिखनी पड़ेगी। तो यानी अगर मैंने 3 दफ़ा लिखना है तो तीनों दफ़ा जो है मुझे कोड जो है वो प्रोग्राम के अंदर लिखना पड़ेगा अगर 3 दफ़ा शो करवाना है। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होता। फंक्शन में जो है हम लाइनें सिर्फ एक ही दफ़ा लिखेंगे, 2 लाइनें जो है हमारी ऊपर वाली कोड, और उसको जब भी हम कॉल करेंगे तो वो लाइनें जो है वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर शो हो जाएगी। तो कैसे, तो अब हमारे पास यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिखा है यानी एक्स वाई जी जो है, यानी हमने फंक्शन लिखा और उसके बाद इको का फंक्शन जो है यानी हमने उसकी बॉडी के अंदर हमने इको कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब लिख दिया, उसके बाद हमने ब्रेक लगाई और उसके बाद कंप्यूटर मकबूल हुसैन लिख। अब जो है यानी ये लाइनें जो है ये फंक्शन की लाइनें जो है वो लिख दी हमने, और उसके बाद फंक्शन की जो ब्रैकेट है वो हमने क्लोज कर दी। अब जब हमने इसको शो करवाना है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, यानी इसको क्या कहते हैं एक्स वाई जी का मतलब क्या चीज़ें, हम फंक्शन को कॉल करें और उसके बाद फिर हम दोबारा जो है फिर फंक्शन को कॉल करेंगे। यानी जैसे ही हम एक्स वाई जी लिखेंगे तो ऊपर वाली तीनों लाइनें जो है यानी मकबूल हुसैन ब्रेक और उसके बाद जो है मकबूल हुसैन स्क्रीन पर शो हो जाएगा। फिर हम एक्स वाई जी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर वाली तीनों लाइनें शो हो जाएंगी, फिर एक्स वाई जी लिखेंगे तो ऊपर वाली तीनों लाइनें ही शो हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि देखें दूसरी साइड पर अगर हम फंक्शन इस्तेमाल नहीं करते तो उससे क्या होता है कि हमारी बहुत सारी लाइनें जो है बार बार कोड लिखना पड़ता है, जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है। लेकिन अगर फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं तो कोड जो है हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है और लाइनें जो कॉल करेंगे वो हम बार बार कॉल करेंगे और लाइनें जो है वो स्टेटमेंट जो है वो स्क्रीन पर शो होती चली जाएंगी। तो इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज सबसे मेन एडवांटेज ये है कि कोड रीयूजबिलिटी, यानी हम कोड को फंक्शन का जो कोड है उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया था कि हम फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे तो वो कोड जो है वो इस्तेमाल होता रहेगा, इसी तरीके से लेस कोड है। क्योंकि देखो अगर फंक्शन का कोड इस्तेमाल करें, फंक्शन के कोड के बगैर हम लिखेंगे प्रोग्राम तो हमारा कोड जो है वो प्रोग्राम जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। लेकिन अगर हम फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए अपना प्रोग्राम लिखेंगे तो हमारा कोड जो है यानी वो प्रोग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो अगर प्रोग्राम छोटा होगा तो उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, चेंज करना, मॉडिफाई करना जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए फंक्शन को इस्तेमाल करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है प्रोग्राम। अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स में सबसे पहले जो है फंक्शन आएगा एक कीवर्ड्स के तौर पर, यानी फंक्शन लिखेंगे और उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे। फंक्शन के नाम कोई भी चीज़ हो सकती है, मिसाल के तौर पर मैक्स का फंक्शन है, मिन का फंक्शन है, टेबल का फंक्शन है, चीज़ ठीक है इसी तरीके से यानी टेबल का फंक्शन है, फैक्टोरियल का फंक्शन है, तो कई फंक्शन जो है क्यूब का फंक्शन हो जाएगा। तो हम सब और तरह फंक्शन का नाम लिखेंगे जिसे हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। उसके बाद जो है फंक्शन की चंद लाइनें जो है जिसे हम स्टेटमेंट कहेंगे वो लिखी जाएंगी।
और उसके बाद ब्रैकेट बंद हो जाएगी। उसके बाद फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल जब भी किया जाएगा फंक्शन के नाम से कॉल किया जाएगा, जो फंक्शन का नाम ऊपर लिखा जाएगा। अगर फंक्शन का नाम ऊपर मैक्स लिखा है तो नीचे मैक्स लिखें। जिस तरीके से पीछे एग्जाम्पल में मैंने एक्स वाई जी लिखा था, तो यहाँ पर हम फंक्शन के नेम में एक्स वाई जी लिखेंगे। तो इसको फंक्शन का कॉल कहा जाता है। अब हम इसको प्रैक्टिकली जो है वो करके दिखाते हैं कि भाई किस तरीके जो से जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं जी, तो हमने यहाँ पर जो है यानी वो कोड इस्तेमाल किया, यानी इसमें क्या है, तो अब हमने यानी सब लाइन प्रोग्राम जो है वो भी ओपन कर लिया, और इसके साथ जो है यानी हमने लोकल होस्ट यानी क्रोम मोज़िला के अंदर हमने लोकल होस्ट की फ़ाइल जो है वो ओपन कर ली, जिसमें मकबूल की फ़ाइल यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी जो है मकबूल की फ़ाइल हमने ओपन कर ली। अब हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन, और उसके बाद हम क्या करेंगे यानी फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो फंक्शन का नाम हम फर्स्ट करें हेलो लिखते हैं, और उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, और उसके बाद जो है हम ब्रैकेट ओपन करते हैं फंक्शन की, और इसके अंदर जो है वो हम जो स्टेटमेंट है वो लिखते हैं। तो स्टेटमेंट फंक्शन की जो है यानी हम क्या लिखते हैं, इको के अंदर हम चंद लाइनें शो करवाते हैं। मिसाल के तौर पर हम इको के अंदर यानी हम इको लिखते हैं, और उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर जो है हम अपना नाम लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपना चैनल का नाम जो है वो कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब लिखता हूँ, ठीक है जी, और इसको डबल कोटेशन लगा कर बंद कर देते हैं, और लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि एक ही लाइन में शो हो जाए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ जो है हम शो करवाते हैं, इसको लाइनों को थोड़ा सा स्पेस कम कर देते हैं ताकि समय हमें फुल स्क्रीन जो है वो नज़र आ जाए जी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमने फंक्शन के अंदर जो है यानी हेलो नाम का फंक्शन लिखा है, और उसके अंदर हमने जो है एक स्टेटमेंट लिख दी। अब हम क्या करते हैं कि अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा था फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो अब हमने फंक्शन का नाम लिखा हेलो, और उसके बाद ब्रैकेट लगा दिया, और उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल एस के जरिए सेव करते हैं, और उसके बाद ये देखें यहाँ पर प्रोग्राम के आउटपुट लोकल होस्ट में यानी हम मोज़िला में इसको रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए आपके सामने कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब जो है वो आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, और जैसा मैंने अभी बात की थी कि हम जितनी दफ़ा मर्जी चाहें जो है वो इसको कॉल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक दो और दफ़ा लिखा, और इसके बाद यहाँ पर लिख दिया। अब तीन दफ़ा मैंने हेलो लिखा है यानी फंक्शन को तीन दफ़ा कॉल किया। तो अब जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें आपके सामने तीन दफ़ा जो है वो कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब आ गया। मैं यहाँ पर इसको ब्रेक लगाता हूँ बी आर करके, डबल कोटेशन में बी आर लिख दे, ठीक है जी, न्यू लाइन में। और उसके बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखें हमारे सामने एरर आए, एरर देखते हैं इसमें क्या है जी। तो ये देखिए ब्रेक की हमने जब कोटेशन जो है वो बंद नहीं किया। अब हम इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं, तो जैसे रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास एक दफ़ा इसको कॉल किया तो यहाँ पर आया, इसको तीन दफ़ा आना चाहिए था, ये देखते हैं अभी जी। तो ये हम यहाँ पर इसको ब्रैकेट को बंद करते हैं, उसके बाद हम इसको कंट्रोल एस करते हैं। तो जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारे पास तीन दफ़ा जो है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब आ गया। अब लाजमी नहीं है कि भी हम इसको लगातार इस तरह शो करवा सकते हैं। अब हम यहाँ पर फंक्शन के बाहर भी जो है यानी हम कोई भी स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर डबल कोटेशन के अंदर जो है हम अपना नाम लिखता हूँ, मैं मकबूल, ठीक है जी, मकबूल हुसैन लिखा, सेमीकोलन लगा दिया, उसके बाद हम फंक्शन को दोबारा जो है यानी कॉल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिर एक दो दफ़ा जो है फंक्शन को कॉल करेंगे। तो पहले तीन दफ़ा कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब आएगा, उसके बाद फिर जो है यानी वो आ जाएगा मकबूल, और उसके बाद कंप्यूटर ट्यूटोरियल। ये देखें आपके सामने यानी कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब तीन दफ़ा, फिर उसके बाद मकबूल हुसैन। यहाँ पर अब अगर हम इसको ब्रेक लगा देते हैं तो उससे क्या होगा, यानी हमारे पास वेरी स्टेज में जो है वो ब्रेक में आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें आपके सामने, तो इसमें एरर आया, तो एरर देखते हैं हमारे पास इसमें क्या है जी। यहाँ पर हम इसको कोमा लगाते हैं सेपरेट करने के लिए, कंट्रोल एस करते हैं, उसको सेव किया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यानी हम कोड को बार बार डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यानी इसका फ़ायदा फंक्शन का क्या था, जैसा मैंने भी बात की कि अगर हमने एक दफ़ा लाइन लिख दी है तो उसको जब मर्जी चाहे जितनी दफ़ा मर्जी चाहे कॉल कर सकते हैं, तो इसलिए जो है फंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि फंक्शन को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा।
तो इस तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन के आर्गुमेंट्स वगैरह देखेंगे। तो अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो यानी कि तो आप मुझसे इस ये जो चैनल का नाम है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।